हेलो गाइस, आपके अपने ही चैनल एनआर ट्रेडिंग एंड एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 17th of May 2020 है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन फिर से यहां पे 14 डेज़ यानी 2 वीक्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहां पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पर स्टडी करता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ी वीकनेस आ सकती है। क्योंकि देखिए, अभी तक तो मार्केट का जोन जो हम देख के चल रहे थे, तो एक साइडवेज टाइप का ट्रेंड हमें यहाँ से लग रहा था। लेकिन यहाँ से अब अगर हम यहाँ पे वॉच कर रहे हैं मार्केट को, तो देखिए यहाँ से सभी लेवल ब्रेक हो चुके हैं, और जहाँ जो हमारे स्टिमुलस पैकेजेस आए हैं, तो ये मार्केट को बहुत हद तक, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट उसमें पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पे मैं चार्ट एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को बताऊँगा आज की निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लिए हमारे जो 18th of May 2020 के व्यू रहेंगे। अगर एक पर्टिकुलर लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस लेवल पे आप अगर वर्क करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के डिस्कशन से कोई भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी किसी को भी बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, ये मेरे पर्सनल व्यू है। अगर इस लेवल में आएगा तो मैं शायद यहाँ पर पोजिशन क्रिएट कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का अलॉटमेंट गवर्नमेंट ने किया है, तो यहाँ पे आप देखें कि इतना पैसा शायद गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़े हुए हैं। काफ़ी चीज़ों को, ये एयरलाइंस हो गई, और भी कई चीज़ें हैं जैसे ऑयल सेक्टर पर हैं, तो ये सब प्राइवेटाइजेशन करने के फिराक में मुझे गवर्नमेंट लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप की कुछ नेगेटिविटी आएगी, तो मार्केट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कल के सेशन में बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है ना जी। और अगर ऊपर भी जाता है मार्केट, तो वहाँ पे टिक पाना इसके लिए काफ़ी पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है मार्केट, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे लेवल्स हैं, अगर ये कल के सेशन में आते हैं तो हम वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। चलिए उसके पहले थोड़ा सा टेक्निकल वे से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने 1 डे का कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि है निफ्टी 50 का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। दोस्तों मैंने ये बनाया हुआ है, अगर आप इस कैंडल को, जो ये हमारी थोड़े से काफ़ी ऊपर निकल गई ये कैंडल, तो इसे हम अगर इग्नोर करते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसे इग्नोर करते हैं, ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, ठीक है जी, अगर इस कैंडल को हम इग्नोर कर दें, क्योंकि ये देखिए इसके बाद यहाँ पे मार्केट गया, तो हम उसको लेवल में ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो यहाँ पे पैटर्न देख रहा हूँ, तो ये राइजिंग वेज का फॉर्मेट क्रिएट होता हुआ देख रहा हूँ। तो आप लोग ये देखिए कि ये राइजिंग वेज जब भी बनता है, तो यहाँ से एक साइडवेज जोन में अभी तक मार्केट है। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि जब भी इस टाइप के पैटर्न बने हैं तो ऑलरेडी फॉल आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर राइजिंग वेज में हम जब भी इसको स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे अभी मार्केट जब भी इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तब फिर यहाँ से मूवमेंट आएगी। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दे दिया है राइजिंग वेज का ये वाली कैंडल ने, तो यहाँ से मान के चलिए कि थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल ही ज़्यादा फॉर्म हो रही है। तो हम ऐसा यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि कल मार्केट जो है गैप डाउन, और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, और उसके बाद हो सकता है मार्केट काफ़ी नीचे भी जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों कल के देखिए, मेरे जो पर्सनली लेवल हैं बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो ऊपर जाने के लिए तो भाई 91,080 के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए होना क्या है, कल अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता है, यानी 9054 के आसपास मान के चले आप, 9040 के आसपास अगर ये निकलता है, और 9040 के नीचे जाके ट्रेड करने लगता है, या बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बन के यहाँ पे गैप डाउन होती है, तो यहाँ पे आपको वॉच करना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे जाएगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो मान के चलिए कि कल के सेशन में ऐसा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, कन्फर्मेशन देखिए मार्केट पर नहीं रहती है, लेकिन ये है कि भाई आप यहाँ
यहाँ पे एक अच्छे लेवल के साथ वर्क करें, पहले से प्रिपेयर रहें, तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर अप साइड पे हमें जाना है तो 9180 के ऊपर ही हम कोई यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाने की सोचेंगे। इसे जाने दीजिए, 9200 के ऊपर जाके ट्रेड करने दीजिए, तब हम वहाँ से बाइंग की सोचेंगे। तो कल के सेशन में देखिएगा कि अगर आपको ये 9040 के बिलो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग में मिलेगा तो आपको वहाँ पे वॉच करना है इसे, और वहाँ से काफ़ी बड़ा फॉल आने के चांसेस है। तो बाइंग पे अगर आपको जाना है तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होकर आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। तो जब भी ये लेवल आएंगे तो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करने की सोच सकता हूँ। और डाउन साइड पे 9040 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से 30 पॉइंट्स की मूवमेंट इमीडिएटली लेना चाहेंगे, और 30 पॉइंट्स के टारगेट के स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो चलिए, यहाँ से मुझे वीकनेस दिख रही है, जैसा भी फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, तो ये फॉर्मेट जो बन रहा है दोस्तों, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। तो आप भी वॉच करिएगा, और जब भी इस टाइप के पैटर्न बनते हैं तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे फॉल आने के चांसेस हो सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ से भी देखिए, अभी मार्केट फ़िलहाल साइडवेज टाइप के जोन में हमें चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से भी पोजीशन मान के चलिए काफ़ी वीक हो सकती है। तो यहाँ से देखिए, अब साइड की मूवमेंट अगर इसे करनी है बैंक निफ्टी को, जो कि इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे पैकेजेस यहाँ पे अलॉट कर रही है गवर्नमेंट, तो वो थोड़ा सा एक मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतने पैसे हमारी कंट्री में है नहीं और इतने ज़्यादा अलॉटमेंट हो गए, क्या इसका बेनिफिट निकलेगा। तो अब मार्केट को अगर रिएक्ट करना रहता तो देखिए, ऑलरेडी ये पैकेजेस पहले से आ रहे हैं अलॉटमेंट में, तो यहाँ से मार्केट कुछ तो पॉजिटिव यहाँ पर सिग्नल दिखाता। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट ने कुछ भी ऐसा किया नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी कल के सेशन में 18,670 के बिलो जाके ट्रेड करता हुआ दिखे, 18,650 का लेवल ले लीजिए, 18,650 के लेवल के नीचे आपको अगर ये मिलता है तो यहाँ से बहुत बड़ा डाउनफॉल आने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखिएगा आप, अगर 18,650 का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो जैसे भी ये लेवल को ब्रेक करेगा दोस्तों, तो काफ़ी बड़े डाउनफॉल आने के चांसेस यहाँ से बढ़ते जाएंगे। और देखिए, मार्केट को अगर ऊपर की ओर पोजीशन देना है तो मार्केट को थोड़ी देर जाके यहाँ पे रुकने दीजिए, स्टे करने दीजिए, तब हम वहाँ पे कोई पोजीशन क्रिएट करने की सोचेंगे। तो थोड़ा सा मार्केट को स्टे होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 18,980 के ऊपर, 18,900, या आप सीधे सीधे 19,000 का लेवल भी ले लें, 19,000 के लेवल जाके ये थोड़ा सा स्टे करें, रुके वहाँ पे करीब करीब मान के चलिए 11 बजे के आसपास भी, अगर ये उसी लेवल में रुका हुआ है 11:30 बजे तक, तो यहाँ से अब मूवमेंट के चांसेस एक बार हो सकते हैं, कुछ अगर ऐसी न्यूज़ आ जाए कुछ। क्योंकि अभी देखिए, जितनी भी ट्रेडिंग है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चलेगी, तो यहाँ पर टेक्निकल काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब मैं जो लेवल बता रहा हूँ आपको, हो सकता है यहाँ पर जो बता रहा हूँ 18,650 का लेवल, तो अब कल के सेशन में दोस्तों यहाँ पे ही अगर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो फिर मान के चलिए मार्केट और भी नीचे जा सकता है, जो कि 18,300 के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या लेवल आपके निकल के आते हैं, जो भी लेवल आएंगे, क्योंकि हमें ऊपर के लिए तो मान के चलिए 19,000 के एबोव ही यहाँ पे कोई ट्रेड डालनी है, या आप इस लेवल से अगर शॉर्ट भी करना चाहते हैं तो आपको बहुत अलर्ट होकर शॉर्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट 11:30-12 बजे के आसपास 19,000 के एबोव है कि नहीं है। अगर एबोव रहेगा तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड के लिए जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर मान के चलिए अगर फॉल आना है, तो कल गैप डाउन ओपनिंग होती है या 18,650 के लेवल को ब्रेक करता है या 18,400 के आसपास खुलता है, तो यहां से और ज्यादा वीकनेस आएगी। तो हमारा ये टारगेट रहेगा 18,300
के आसपास तक जाने के मार्केट के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो ये वीकनेस मुझे दिख रही है क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न ये काफ़ी समय से क्रिएट कर रहा है उसके बेसिस पे अगर इस यहाँ पे भी देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी इसी तरीके से मूवमेंट करता है, जैसा भी मूवमेंट आपकी निफ्टी फिफ्टी पर होगी उसके अकॉर्डिंग ही बैंक निफ्टी भी यहाँ पर मूवमेंट करता है। तो देखिएगा आपको जो भी लेवल कल यहाँ पर मिलते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के डिस्कशन से वहाँ पोजिशन बना सकते हैं। तो दोस्तों कल देखेंगे, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लें, तो उसमें बहुत कुछ आप लोगों को अपडेशन मिलते रहते हैं लाइव मार्केट में। तो देखिए वहाँ पे अगर आप ज्वाइन होकर मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पोजिशन आपको अपडेट होती रहती है कि भाई ये पोजिशन क्रिएट हो गई है तो यहाँ पर पोजिशन बनाई जा सकती है कि नहीं बना, उसके सब्जेक्ट में वहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। तो जो भी बंदे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया करता हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और जब भी ये लेवल में आए तो आप अलर्ट होकर एक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।